हे गाइस, मूवी फ्लूड में आप सबका स्वागत है। और जुक जुक जियो को देखने से पहले मेरे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो हैं, और मेरे अंदर ये लोकी वाली फील्स आई थी कि ये मूवी एक ठीक ठाक अच्छा फैमिली एंटरटेनर मूवी हो। और हाँ, मेरा नाम है मिस्टर पी, और चलिए बढ़ते हैं जुग जुग जियो के रिव्यू पे। और आप मूवी फ्लूड पे आए हैं तो जहाँ से इस मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स दोनों के बारे में बात करेंगे। और सच्ची बताओ तो इस मूवी में वैसे कुछ बोलने या फिर क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये एक लाइट और सिनेमैटिक रिव्यू होगी। पापा, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे बीविया, मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है। सो लेट्स बिगिन विद द पॉजिटिव पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, कॉन्फ्लिक्टेड कॉमेडी। चलो, आप अगर कोई कॉमेडी मूवी देखने जा रहे हो तो हम ऑडियंसेस को स्टोरी यूनिक लगनी चाहिए, एंड ऑल्सो इट शुड हैव अ गुड स्टार्ट टू द स्टोरी, जो ऑडियंसेस को एंगेज करके रखे हुए। और इस मूवी की कहानी ऐसी है कि एक कपल डिवोर्स लेना चाहती है, और दूसरी तरफ उनका पेरेंट्स का भी सेम इश्यूज है, और वहाँ पे उनकी छोटी बेटी की भी शादी है। और एज एन इंडियन फैमिली, इफ़ यू आर, डिवोर्स लेना इज़ नॉट अ कॉमन थिंग इन दिस कंट्री। और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मूवी की स्टोरी ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग वे में शुरू हो चुकी है। सो आई बिलीव दैट द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द मूवी बींग कॉमेडी शोइंग द डिवोर्स इज जस्ट ऑसम। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्टिंग एंडिंग। मैं कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, बस इतना बोलना चाहूंगा कि इस मूवी के एंड के 15 से 20 मिनट इस मूवी के सबसे फेवरेट पार्ट थे मेरे। एंडिंग में पर्सनली प्रेडिक्टेबल लगी थी थोड़ी स्टोरी, पर काफ़ी रिलेटेबल और ओरिजिनल लगेगी। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, पर आई डोंट नो वाई आई स्टिल फील रिलेटेबल। और यहाँ पे वरुण धवन के शरारतें और हरकतें, उनका कैरेक्टर ऐसा ही है जो मुझे पर्सनली सरप्राइज किया है। सो दैट्स हाउ आई फेल दैट इंटरेस्टिंग एंडिंग मेड दिस अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर द मूवी। अब बात करते हैं इस मूवी के वीक पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, द स्क्रीन प्ले फॉर कॉमेडी। जैसे मैं बोला था कि फिल्म के नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीन प्ले ठीक है, पर स्टोरी का डेवलपमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम लगी कि एक तरफ फैमिली वेडिंग की खुशी है और दूसरी तरफ डिवोर्स की सीरियसनेस के बीच में डिफरेंस निकल पाना मुश्किल लग रहा था, जहाँ से यह मूवी मेरे लिए क्लीशे लगना ऑलरेडी चालू हो चुकी थी। और इस डेवलपमेंट में कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आर्टिफिशियल लगना शुरू हो जाता है एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के बीच में। और यही ओल्ड टाइम मेथड्स में ऐसी टाइम मूवीज आजकल के 2022 के लिए, आई एम सो सॉरी फोक्स, आउटडेटेड लगने लगता है, जहाँ पे मनीष की एक्टिंग, मैं नहीं बोलूँगा ख़राब है, बट एज दूल्हे का भाई जो उल्टे सीधे फोर्स्ड कॉमेडी वाली फील्स देता है, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये फिल्म का मेन प्लॉट है कि वो दो लोगों का अलग होना, तो ऑफकोर्स इट्स अ सीरियस थिंग जो माइंड में लेना चाहिए। और अगर कॉमेडी में क्लीशे आएंगे तो ऑडियंस वोंट टेक दैट कैरेक्टर्स टू सीरियसली, और उस कैरेक्टर्स के लिए सब लोगों को स्टोरी में डीपली फॉलो करना आसान नहीं होगा। और अगर आपको इस नेगेटिव पॉइंट से अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो वो है तनु वर्सेस मनु रिटर्न्स। तो तनु वर्सेस मनु रिटर्न्स में आपको यह पता चलता है कि वहाँ पर डिवोर्स का सीरियसनेस और कॉमेडी को दोनों दोनों अलग वे में प्रेजेंट किया गया है, ऐसे तरह से कि ऑडियंस विल स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड टू देम। वीक पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंसेस आर नीदर बैड नॉर गुड। हर एक्टर ने वैसा ही परफॉर्मेंस दिया है जस्ट लाइक द वे वी थिंक ऑफ इट। वरुण जस्ट एक्ट्स लाइक हिमसेल्फ इन कॉमेडी रोल, जहां वो बीच बीच में ओवर द टॉप चले जाते हैं, बट ही स्टिल रिमेंस फनी। कियारा इज बीइंग लव्ड बाय मी इन हर सीरियस सीन्स, एंड आई थिंक दैट्स अ ट्रेडमार्क। अनिल कपूर इज जस्ट झकास, पर प्रॉब्लम यही है कि मुझे लगता है कि उनका रोल मैंने बहुत बार देख चुका हूँ। और नीतू जी इज जस्ट ऑथेंटिक एज शी प्लेज हर सेल्फ। और फेमस यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली का भी इस मूवी में बहुत रोल है, पर आई गेस उनका रोल कोई भी कर सकता था, और उनके सीन्स उतना भी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मूवी में उतना दिखा नहीं है, और आई थिंक any actress can play that role. All right, this is not my type of movie, but kuch audiences ke liye this movie might still work. I can say that aap ye movie bahut casually apne family ke saath dekh ke chale aa sakte ho, but hardcore movie lovers you can skip it. Aur ye tha mera review Jug Jug Jiyo ke liye. Aap apna reviews mujhe comments mein zarur batana, and it's okay if your opinion is different from mine. And also please like, share aur subscribe kar dena, aur social media links are in the description. Chalo, bye.